बैट्समैन, प्लीज जल्द जल्द से जल्द आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास। मैच की शुरुआत हो गई। हाँ, तो स्पॉन्सर की अगली लिस्ट है हमारे पत्रिका स्पॉन्सर शगुन चैन, जवेरी बाजार, श्रीमान सुभाषिसा कोठारी और राजू भाई राजपुरोहित, कृपया मंच पर आ जाए पत्रिका स्पॉन्सर। गेंदबाजी कमान पे है पवन और स्ट्राइक पर। हाँ, स्वागत करने के लिए मैं पूनम ज्वेलर्स में से पधारे हुए किशोर जी, नहीं कृपया मंच पर बता रहे, आप राजू भाई राजपुरोहित और सुभाष जी कोठारी का स्वागत करेंगे। राजू भाई राजपुरोहित और श्रीमान सुभाष जी से कोठारी शुरुआत, शगुन चैन जवेरी बाजार, कृपया मंच पर बता रहे। और इस बार देखना होगा इसको लेकर ऊपर खेला है। किशोर जी सोनी कृपया मंच पर बता रहे और एम्पायर के इशारे आते हुए यहाँ पर पराग ज्वालस फोर। तो यहाँ पर निकलता हुआ चार रनों का इशारा पराग ज्वालस की जानिब से निकलते हुए, ये चार रन, इन चार रन की मदद से स्कोर पर नजर डाल देते हैं एक बार। स्कोर है 6 रन, पहला ओवर चल रहा है। पवन द्वारा गेंदबाजी का कार्य चल रहा है, यहाँ पर पवन छोटे रन ऑफ के साथ राइट टर्म ओवर द करते हुए इस बार फिर से बैक फुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाए, उसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन वहां पर एक ही रन मिलेगा, खिलाड़ी मौजूद थे जब तक के थ्रो आता, एक रन मुकम्मल हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, रन संख्या हुई वो है 7 रन। और इस बार सीधे बल्ले से खेलते हुए इस बार गेंद को सम्मान दिया, फॉलर थ्रो में गेंद को उठा लिया गेंदबाज ने। हार्दिक स्वागत अभिनंदन श्रीमान राजू भाई राजपुरोहित जो हमारे जेसीएल 7 के पत्रिका के स्पॉन्सर है, इनविटेशन कार्ड। पवन जैन गेंदबाजी कमान पर हैं, अगली गेंद करने के लिए तैयार फिर से इस दौर प्रिंस के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेलते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन इसी बीच 2 रनों की दौड़ पूरी होती हुई बहुत ही बढ़िया रनिंग में 15 विकेट करते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 2 आंकड़ों में 11 रन। 6 ओवर का ये मुकाबला है आज के दिन का। मैच नंबर 6। ठीक, अबे तो नाम तो आगे करना। ललित राजकुलेश गेंदबाजी कमान पर, गेंदबाज हैं ललित, लंबे रन ऑफ के साथ सामना करेंगे इनका प्रिंस, और विकेट कीपिंग कर रहे हैं वो है पप्सा। चारभुजा ज्वेलर्स वाले विनोद जी इंगड़ के परिवार वाले सब यहाँ स्टेज पर पधारे। धवल जतिन हिंगड़, चलिए शुरुआत कीजिए मैच की। ललित गेंदबाजी कमान पर है, दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया है और इस बार इसे खेला है थर्ड मैन की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे, 1 रन मिलेगा इस 1 रन के साथ, रन संख्या बढ़ती हुई 12 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कमान पर है पफसा, सभी दर्शक देखिए ललित, और देखिए जैसा आपको टाइम दिया गया 25 मिनट्स का,
तो 6 ओवर उतने टाइम में पूरे होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कमेटी की जानिब से आप पेनल्टी का शिकार हो जाएं। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इसे खेला इसको लेग के ऊपर से, खिलाड़ी नीचे और दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरती हुई, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ और विकेटों के बीच में शानदार दौड़ लगती हुई और बहुत ही बाखूबी रन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 3 रन पूरे किए, रन संख्या बढ़ती है 15 रन। ललित अपने गेंदबाज पे बॉलिंग मार पे चल दिए, रन संख्या हो गई है 15। दूसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाज हैं ललित, अब सामना करेंगे फिर से, और इस बार एक कदम आगे निकाल के खेला, मिस फील्ड होती हुई मिड ऑफ की दिशा में, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, विकेटों के बीच में शानदार दौड़ लगती हुई फेडरल बैंक, और फिर से यहाँ पर आकाश भाई 3 रन अर्जित किए हैं। सर कृपया मंच पर पधारे, और इस बार इसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे, 1 ही रन मिलेगा, इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता है 19 रन। उत्तम ज्वेलर्स से उत्तम भाई, आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर पधारे, और इस बार देखना होगा सिंगल तरवार कदम से पूरा किया और दूसरे के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया तुरवाता हुआ विकेट कीपर के हाथों में, 1 ही रन से संतोष रहना पड़ेगा वहां पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 20 रन बगैर किसी नुकसान के, और गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, ओहो ये देखिए डाइव करते हुए गेंद को रोका, लेकिन इसी बीच और अब 3rd ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आएंगे शंभु। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पर नजर डालें तो स्कोर है 22 रन, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक के रन बने हैं। 3rd ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हैं शंभु। हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर उत्तम ज्वेलर्स सरवन सिंह जी का हार्दिक स्वागत है हमारे कम्युनिटी बॉक्स में, और आपके इस GCL प्रीमियर लीग सीजन 7 में। यस सर, एम्पायर खिलाड़ियों को वार्न करो, बहुत वक्त ले रही है, बेटा बेटा थोड़ा फास्ट कीजिए। ओपनिंग सेरेमनी स्पॉन्सर वर्धमान ज्वेलर्स रतन ज्वेलर्स विरारिष्ट भवर जी, जहाँ कहीं भी हो मंच पर पधार जाए, भवर जी और परिवार कृपया मंच पर पधारे। कमान पर हैं शंभु, अगली गेंद शंभु राइट टर्म ओवर करते हुए, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात हैं, लेकिन इसी बीच बहुत ही शानदार दौड़ लगती हुई विकेटों के बीच में, और ये देखिए ज्यादा रन और ज्यादा लालच रन आउट के रूप में हुए आउट। श्रीमान प्रकाश जी साधुगढ़, कमल कुमार शंकरलाल ज्वेलर्स उत्तम ज्वेलर्स मैन ऑफ द सीरीज श्रीमान उत्तम भाई साहब, नितिन आउट होगा लौट गए रन आउट के रूप में। वर्धमान ज्वेलर्स श्रीमान भवरलाल जी परियार, आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर बता रहे, नए बल्लेबाज आए हैं हितेश, JCL 7 के बढ़ती हुई कैप स्पॉन्सर है श्रीमान पूनम ज्वेलर्स श्रीमान बाबूलाल जी सा श्रीमान किशोर जी सा सोनी, कृपया मंच पर बता रहे पूनम ज्वेलर्स कैप स्पॉन्सर। आपके परिवार से कोई भी हो कृपया मंच पर बुला दे उनको, किशन जी टू टू गो ओ 24 इंच, और इस बार पीछे हटे जोरदार प्रहार, उतनी अच्छी फील्डिंग
स्वागत करने के बुलाना चाहूंगा मैं का उदयलाल जी भाई साहब है मंच इधर, तो कृपया मंच पर पधारे उदयलाल जी भाई साहब। वन टू गो, वन टू गो। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 रनों पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार शंभु। मुकेश जी को थोड़ा सा फेरा दिया गया है। स्वागत कर प्रशाल होड़ा। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर तालियों से स्वागत करेंगे सभी। कैप स्पॉन्सर पूनम ज्वेलर्स विरारिस्ट, बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद। इस ओवर की आखिरी गेंद शंभु लेकर तैयार होते हुए। वन टू गो। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए शंभु राइटम ओवर था और इस बार फुल टॉस गेंद हाफ बल्ले पे लिया, ड्राइव कर दिया उसे ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सुंदर फील्डिंग वहां पर। इसी बीच टेंथ स्पॉन्सर एम्पर नो बॉल, यस नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। टेंट्स मंसल कमल कुमार शंकरलाल एंड कंपनी ज्वेलर्स श्रीमान प्रकाश जी सा दुकड़, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। स्वागत करेंगे गणपति जी। देखिए टाइम जो है बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है और वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। 25 मिनट का टाइम दिया गया था। बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद। इसी बीच नो बॉल कर बैठे और अब फ्री हिट, और फ्री हिट का सामना करेंगे प्रिंस। आउट, एम्पायर की उंगली आसमान की ओर उठती हुई, प्रिंस हुए आउट और प्रिंस जाएंगे अब डगआउट में। नए बल्लेबाज जरा पानी सप्लाई कौन है, पानी जरा लेके आना मंच पर। पानी पानी कमेंट्री स्पॉन्सर है भारतीय ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी विरार वेश। भारतीय ज्वेलर्स से यहाँ कोई है अवेलेबल? और नए बल्लेबाज आए हैं जेके और गेंदबाजी कमान पे आएंगे पप्पू रतन सिंह। यस अच्छा पप्पू को थोड़ा सा अभी ब्रेक दिया गया है। पप्पू भाई, पप्पू भाई को अभी थोड़ा सा बात के लिए रखा हुआ शायद। और रतन भाई अब आए हैं स्वयं गेंदबाजी करने के लिए, टीम के कैप्टन हैं जो रतन भाई अब कैप्टन हैं। और अपनी देखें अभी 6 गेंदें करने में कितना वक्त और क्या। सनगोल मंगलसूत्र जवेरी बाजार श्रीमान देवेंद्र जी कृपया मंच पर पधारे, बैनर स्पॉन्सर हमारे, बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद। नीलेश नए बल्लेबाज बॉलर गेंदबाजी करते हुए रतन भाई लंबे रन ऑफ के साथ, राइट टर्म गेंद और इस बार पॉइंट के ऊपर से और देखना होगा यहाँ पर।
स्वागत करने कृपया मंच पर बता रहे प्रकाश जी सदुगढ़ और ये यहाँ पर निकलता हुआ पराग ज्वालस कृपया मंच पर बता रहे हितेश भाई के बल्ले से निकलता हुआ ये पराग ज्वालस फोर और इस चार रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 33। बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद। तो चार रन की मदद से स्कोर बढ़ के पहुंचता है 33 रन 33 रन बन चुके हैं। फेडरल बैंक अभी भी इस ओवर के चार गेंद शेष हैं। और 251 रुपए का पुरस्कार अभी अभी यहाँ पर मुझे सूचना मिली है अगर वो इस ओवर में विकेट लेते हैं आकाश भाई रतन भाई अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं 251 रुपए का पुरस्कार मैच खत्म होने के फेडरल बैंक की जानिब से। तो ये आवाज तो उनके कानों तक पहुंच गई है अब उनके नसीब का फैसला है कि विकेट मिलता है तो 251 जरूर मिलेंगे राइट टर्म फेडरल बैंक की जानिब से। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद जोरदार अपील लेकिन उस अपील को नाकार दिया हमारे एम्पायर ने। फेडरल बैंक की जानिब से 251 रुपए का पुरस्कार है इस ओवर में। और पप्पू भाई पूरा एंजॉय करते हुए फील्ड के अंदर हा? और इस बार इसे खेला कारपेट के सहारे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग थोड़ी सी मिस जरूर हुई लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पर। फेडरल बैंक की टीम मंच पर आई है। नौजा भाई ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है वहां पर गेंद को रुकाया बहुत तेज शॉट था। और स्कोर की अगर बात करें तो अभी 35 रन बन चुके हैं इस ओवर की 2-2 गो। और इस बार गेंद हवा में इसको लेके ऊपर से खिलाड़ी नीचे लेकिन काफी दूर एक रन तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे रन के लिए निकल पड़े और ये 2 रन बाखूबी पूरे होते हुए। हितेश भाई जो बैटिंग कर रहे हैं काफी सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त में और यहां जरूरत है एक बड़ी पार्टनरशिप की। तकरीबन स्कोर 70-80 तो पहुंचना चाहिए लेकिन स्कोर अभी अगर कहा जाए तो वो है 37 रन इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आइटम ओवर द करते हुए रतन भाई। और इस बार ये शॉट ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और यहां पर ये लगता हुआ है पराग ज्वालस फोर लगता हुआ ये फोर की मदद से स्कोर है 41। स्कोर पहुंच चुका है 41 ओवर हुए चार ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन है। गति की बात करें और रनों की बात करें तो 11 रन प्रति ओवर अब तक के बने हैं आने वाले 2 ओवर का खेल अभी बाकी है। पप्पू भाई फील्डिंग को सजाते हुए ये देखिए इस बार देखना होगा कि 5वें ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज निर्मल भाई गेंदबाजी कमांड पर है निर्मल का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर 4 से 6 कदमों का रनअप बाएं हाथ की गेंदबाज और पहली गेंद वाइड कर बैठे पहली गेंद वाइड करने के बाद फिर से अपनी ले को तलाश करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद गति के साथ साथ उछाल भी था इसमें। मैन ऑफ द सीरीज उत्तम ज्वालस श्री उत्तम भाई शाह कृपया मंच पर बता रहे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर उत्तम भाई शाह ओपनिंग सेरेमनी स्पॉन्सर वर्धमान ज्वालस वाइड का इशारा आता हुआ
भवर जी परियार, बाउंड्री स्पॉन्सर पराग ज्वेलर्स विरारी श्रीमान जीवराजी सा साकला, कमेंट्री स्पॉन्सर भारती ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी विरार वेश, यस एम्पायर की उंगली उठती हुई आसमान के जाने विकेट का हुआ पतन। क्रिकेट किट स्पॉन्सर महालक्ष्मी ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट, कृपया मेरी आवाज सुन रहे मंच पर पधारे। और ललित भाई वहां पर विकेट कीपिंग की भूमिका में थे, बहुत ही बढ़िया एक सनक करके आवाज निकली थी बैट और गेंद का जब संपर्क हुआ और कैच को लपक लिया उन्होंने, विकेट आउट होता हुआ यहाँ पर। हमारे बीच बाउंड्री स्पॉन्सर पराग ज्वेलर्स स्वागत कर रहे हैं, ये लगा पराग का चौका, बीएसआई हॉलमार्क हो गया इनका पराग का चौका। अगले साल है ये होने वाला है, ये भी 44 और गेंदबाजी कमान पे है निर्मल भाई और सामना करेंगे अब जेके और हितेश की ये जोड़ी। पप्पू भाई फील्ड को सजाते हुए, लेकिन टाइम जो है बहुत तेजी के साथ ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है टाइम, टाइम का भी याद रखें। और इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, ओ हो यहाँ पर एक बहुत आसान सा गेंद गिरा दिया और यहाँ पर एक रन भी मिला, यहाँ पर इस एक रन की मदद से स्कोर पहुंचता है 45 रन, पराग ज्वेलर्स रन बन चुके हैं। कभी मना नहीं करते पराग चौका, इस तरह इसके लिए इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रेडमार्क है। हमारे बीच उपस्थित है भारतीय ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी, नाम सुमेर सिंह जी चुंडावत, श्रीमान सुमेर सिंह जी चुंडावत, उनका स्वागत हो रहा है। कमेंट्री स्पॉन्सर है हमारे भारतीय ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट, बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद। चलिए मैच की शुरुआत कीजिए। और इसी बीच जो व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, एक रन और काउंट किया जाएगा स्कोर में, स्कोर बढ़ के पहुंचता है 46। तीन खिलाड़ी खो जरूर है और ये देखिए ये यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए हितेश, और इसी बीच लगा ये पराग चौका। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए, ये चौके की मदद से 50 रन हुए पूरे जो है पराग चौका। और हितेश भाई ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है बाकी सराहना करनी होगी, पारी को भी संभाल के रखा, विकेट भी बचाए हैं और रन भी बनाए हैं। इसी बीच एक रन का और इजाफा होता हुआ, इसी एक रन की मदद से स्कोर 51। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। छोटे रनऑफ के साथ भी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग करता है। महालक्ष्मी ज्वेलर्स क्रिकेट किट स्पॉन्सर ग्लोबल सिटी, श्रीनाथ ज्वेलर्स श्रीमान आशीष जी संघवी यूट्यूब स्पॉन्सर। ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 51। तीन खिलाड़ी आउट होने के बाद आखिरी 6 गेंदें बची हैं इस इनिंग की, आखिरी ओवर आना बाकी। बॉलर नेम तो छठे ओवर की गेंदबाजी के लिए कैप्टन ने शंभू सिंह को चुना है, 6 गेंदें अभी बाकी हैं स्कोर की। शंभू गुजर
यस। तो आने वाली छह गेंदे शंभू के हाथ में सौंपी गई बॉल, और शंभू के सामने खड़े हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हितेश, हितेश जे के। और लेग स्टंप से काफी बाहर निकल गई गेंद, व्हाइट का इशारा हुआ। निर्मल जी, निर्मल जी, सनगोल ज्वेलर्स निर्मल जी जहां कर भी हो कृपया मंच पर बता रहे। इस बार फिर से बैक टू बैक दो गेंदे वाइड कर चुके हैं, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। मारुति ज्वेलर्स मदन जी, रन संख्या पहुंचती है 53। शंभू राइटम गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन लकी स्पॉन्सर कृष्णा ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी। और देखिए अभी अभी हमको सूचना मिली है कि अगले साल का भी टॉस का बॉस लक्ष्मण जी ने, लेट्स सी बॉयज क्या बात है। हाँ हाँ ये है 11,000 रुपए, यानी कि बहुत बड़ी बात है। ये है दरिया दिली कि इस साल का छोड़ो अगले साल का भी अभी से रिकॉर्ड बना दिया है। कृष्णा ज्वेलर्स लकी ड्रॉ स्पॉन्सर ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट। पधारो साहब, हार्दिक आभार, धन्यवाद। भोजन चालू है, जिस किसी ने अगर भोजन नहीं किया हो तो कृपया भोजन कर ले। अढ़ाई बजे भोजन काउंटर बंद होने वाला है, तो कृपया भोजन कर ले सर सभी। और अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो राजस्थान रॉयल की जानिब से कितने 200 रुपए। अच्छा, राजस्थान रॉयल की तरफ फोटोग्राफर। बहुत ही शानदार दौड़ लगती हुई, बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद सर। इन दो रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, चार खिलाड़ी आउट होने के बाद। उत्तम पाटिल प्लीज जरा कमेंट्री बॉक्स के पास आइए। उत्तम पाटिल कमेंट्री बॉक्स के पास आइए। हाँ प्लीज, विकेट स्पॉन्सर क्या पीवीआर क्या नाम एसवीआर क्लासेस, विकेट स्पॉन्सर श्रीमान बसंती लाल जी वागरेचा और परिवार कृपया मंच पर बता रहे। पायल ज्वेलर्स विरार ईस्ट। क्लासेस विरार वेस्ट। और ये लगा यहाँ पर पराग ज्वालस फोर, और इस फोर की मदद से स्कोर है यहाँ पर 60 रन। फोटोग्राफर इस ओवर की आखिरी गेंद, और इस बार फिर से खुल के खेलने के इरादे, और यहाँ पर नतीजा वही पराग ज्वालस चौका निकलता हुआ। क्या बात है, स्कोर पहुंच गया है 64। तो यहां पर 6 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 64 रन।
तो इस तरह से 64 रन बनाए हैं, 65 रनों का लक्ष्य आया सामने, टारगेट है 65 रन। 6 ओवर का मुकाबला है, दोनों ही टीमें एक दूसरे से भरी। बहुत बहुत धन्यवाद। नींबू पानी स्पॉन्सर मारुति ज्वेलर्स, मदन जी और धर्म जी, हेलो, हेलो, निम्बुवानी स्पॉन्सर मारुति ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी, श्रीमान मदन जी सा जाट, श्रीमान धर्म जी सा जाट बंधु, कृपया मंच पर बधाई, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। फुलपाड़ा वर्सेस भारतीय, भारतीय वॉरियर्स, भारतीय कैप्टन प्लेट टॉस के लिए जल्द से आ जाइए, फुलपाड़ा के तो आ चुके हैं, भारतीय के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए। ये दोनों जाट बंधु की खासियत है, भाई नहीं लगते, दोनों फ्रेंड लगते हैं और रहते भी फ्रेंड के जैसे ही है, ऐसे लगते नहीं कि दोनों भाई है, ये इनकी दोनों भाई की खासियत है। भारतीय वॉरियर्स और दोनों ही टीम का 12 प्लेयर नहीं आया। हाँ, कन्हैया लाल जी इंगड़ बॉलिंग टीम का आया है, बैटिंग टीम का भी भेजे, गोल्ड क्राफ्ट फाइटर और राजपूताना धरुनाथ प्लीज। कन्हैया लाल जी इंगड़, सागर इंगड़, इंगड़ परिवार से यहाँ कोई भी उपस्थित हो कृपया मंच पर पधारे। इस जेसीएल सीजन 7 में पधारे हुए समस्त
ज्वेलर्स समाज बंधुओं का, सभी व्यापारी भाइयों का इस विरार की धरती, इस नारंगी ग्राउंड में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर दोनों ये फुलटॉस गेंदी हल्के हाथों का प्रयास वहां पर फिल्टर के रूप में मौजूद, जब तक फील्ड होती एक ने पूरा किया दूसरे की चाहत वहां पर थोड़ी सी मिसिस, लेकिन अब बचे ये फील्डिंग एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस बल्लेबाज को। स्ट्राइक पर है जतिन, नॉन स्ट्राइक पर है रितेश। ये पहले ओवर की दूसरी गेंद, ये थोड़ा सा हल्का थर्ड मैन किया जाती पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग का नजारा जब तक फील्ड होती अपने दो रन पूरे किए, इसी के साथ धीरे धीरे रन स्कोर में बढ़ोतरी होती ही दो रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। ये पहला ओवर प्रगति पर है, 65 रन का टारगेट है यहां पर। एक बार फिर तैयार, फिर से उठा के खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की ओर जाती हुई बॉल, वहां पर एक रन जरूर मिलेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बोथ प्लेयर धीरे धीरे इक्का दुक्का कर यहां पर अपने इस लक्ष्य की ओर जाती हुई गोल्ड क्राफ्ट फाइटर। टारगेट इतना लंबा नहीं है, फिर हल्के कदमों के साथ में उठा के खेला है फील्डर, नीचे कोशिश जारी, डिसीजन पेंडिंग और ये ड्रॉप विकेट। जब तक फील्ड होती दो रन तीसरे की चाहत, लेकिन मना किया, अच्छी सोच है वहां पर बैट्समैन की, दो रन से संतुष्ट बल्लेबाज। ये पहले ओवर की पहला ओवर प्रगति पर है और दोनों ही सेट बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर पहल करते हुए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज। फिर से उठा के खेला है ऑफ साइड की ओर, पॉइंट पर फील्डर, ये एक रन पूरा दूसरे की चाहा तो ये आसानी से रन आउट, ये गलती कर पाए यहां पर खिलाड़ी और एक महत्वपूर्ण विकेट है यहां पर पतन होता हुआ, पहला विकेट का झटका यहां पर लगता हुआ गोल्ड क्राफ्ट फाइटर को। तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है, जूली जूली, सॉरी कदम पर पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। थैंक यू, थैंक्स उत्तम भाई का बहुत बहुत स्वागत है, बॉस मैन ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर और इशारा, बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर जेसीएल सीजन 7। ओह ये और एक बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसी, एक और बेहतरीन कैच, बाउंड्री लाइन, हेलो हाँ, जो कमेंट्री बॉक्स के बाजू में राइट साइड में जो स्टॉल है वहां पर जितने भी मेरे जेंट्स लोग, मेरे मित्रगण बंधु बैठे, उनसे निवेदन है कि ये स्थान, ये जगह लेडीज के लिए है पंडाल, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में, जो इस आयोजन कमेटी ने इतना अच्छा आयोजन किया है, चेयर लगाई हुई, एयर कंडीशन लगाई हुई, वहां पर आप आके विराजमान हो जाए, धन्यवाद। हाँ, एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर यहाँ पर गाड़ी नंबर है 5436, जो गेट के सामने आने जाने में रास्ता अवरुद्ध कर रही है, तो जिस किसी समाज बंधु के प्लीज वो गाड़ी अपने पार्किंग व्यवस्था पर लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार पुनः पधारे हुए इस जेसीएल सीजन सेवन में सभी व्यापारी बंधुओं का, सभी मेरे युवा साथियों का, आपका इस विरार की धरती पर, इस नारंगी ग्राउंड पर मैं इस आयोजन कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करता हूँ। लीजिएगा, हम अभी चलते हैं इस लाइव मैच की ओर। ये दूसरा ओवर अभी प्रगति पर रहेगा और दो महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर अभी तो खोई है गोल्ड क्राफ्ट फाइटर ने। सो स्कोरर स्पॉन्सर श्रीमान साह शांतिलाल जी साह सागला संगोल एनएक्स। काफी अच्छी गेंद, जब तक बैट्समैन समझ पाते उसे शॉट में बदौलत कर पाते, सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर के हाथों में। देखिए लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, क्रिकेट कहीं पर भी झुकाव हो सकता है। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर हैं। एक बार फिर से उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बल्ले का, बॉल और बल्ले का संपर्क नहीं, एक रन जरूर मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट। यहां पर जो अभी क्रीज पर डटे दोनों बल्लेबाज वही काम कर रहे हैं। देखिए लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, लेकिन यहां पर एक अच्छी साझेदारी, अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अगर अच्छी साझेदारी होगी तो यही साझेदारी अंतिम ओवर तक आप विजय की ओर ले जा सकते हैं। एक बार फिर तैयार, हार्दिक आभार धन्यवाद। ओहो हो, काफी अच्छी गेंद, जब तक समझ पाते बल्लेबाज। इसी बीच बैनर स्पॉन्सर, एक स्पॉन्सर व्हाइट बॉल स्पॉन्सर मनु चंद विरार वेश श्रीमान जी सा प्रकाश जी सा और परिवार, आप पूरा परिवार आप मंच पर पधारे। बैनर स्पॉन्सर सिक्स स्पॉन्सर और व्हाइट बॉल स्पॉन्सर मनु चंद विरार वेश प्रकाश जी सा शाह। ये करारा झटका, एक और झटका लगता हुआ, बेहतरीन झटका। हार्दिक आभार धन्यवाद। अभी भी यहाँ पर राजपूताना भैरुनाथ का काफी महत्वपूर्ण विकेट खोया है। एक बार फिर ओहो अच्छा शॉट, थर्ड मैन की ओर बॉल जाती हुई, बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद, जब तक का फील्ड होती एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने। अगर यहां से इस मैच को जीत की ओर लेके जाना है और जीत के लक्ष्य की ओर तरफ तक पहुंचाना है तो राजपूताना भैरुनाथ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे साझेदारी की जरूरत है। अभी भी आपने एक बड़ा विकेट खोया है तो उस हर बॉल को सोच समझ और फुक फुक कर कदम उठाना पड़ेगा, वही काम कर रहे यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर तैयार, और टारगेट बड़ा नहीं है सिर्फ 65 का है, लेकिन यहाँ पर उतना भी टारगेट को अगर लेके जाना है। एक गाड़ी नंबर शिप डिजायर 5436 जो गेट के सामने रास्ते को अवरुद्ध कर रही है, बीच रास्ते में जिस किसी समाज बंधु अपने व्यापारी भाई की हो तो प्लीज वो जाकर अपने शिप डिजायर को, जो आयोजन कमेटी ने पार्किंग की व्यवस्था की है, वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करे। गाड़ी नंबर है शिप डिजायर 5436 5436। धन्यवाद। पधारे हुए सभी मेहमान अतिथिगण से नम्र निवेदन है, कृपया खाना अगर नहीं हुआ हो आपका तो कृपया जल्द से जल्द खाना भोजन कक्ष में ले लेवे, सभी से नम्र निवेदन है। भोजन चालू है, सभी जबरदस्त भाइयों को और खेल प्रेमियों को, युवा साथियों को, खिलाड़ियों को, अगर किसी ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया तो आप अति शीघ्र भोजनशाला में पधारे और भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद में मैच का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, अब हम चलते हैं फिर से इस लाइव मैच की ओर।
काफी अच्छा आयोजन है जेसीएल सीजन 7 का, ये एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि विरार की धरती पर सफलता पूर्वक इस जेसीएल 7 का आयोजन हमारे व्यापारी भाइयों ने, ज्वेलर्स के सभी समाज बंधुओं ने किया था। फिर से हल्के कदमों के साथ में ये वन बॉल बॉल थी, लेकिन जब तक समझ पाते बल्लेबाज सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक बिंदी गेंद के रूप में यहां पर बॉल आती हुई। धीरे धीरे दोनों ही टीम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ लगाती हुई, लक्ष्य का पीछा करती हुई फिर तैयार। ये काफी खराब गेंद, एम्पायर को अपने दोनों बाह खोलने के लिए मजबूर किया, वाइट का इशारा, एक और अतिरिक्त रूप के रन के रूप में स्कोर बोर्ड में रन जुड़ता हुआ। बोला बोला कितने बार बोला भरत राजपुरोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी कमेंट्री, थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया। अब सीधे लकी ड्रा की तरफ चलते हैं, और लकी ड्रा का कूपन बस यहाँ पे अब बांटा जा रहा है। मैच की अगर बात किया जाए तो एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर मैच, एक बार खूबसूरत कैच लेते हुए, वही वो स्थान था जहां पर कैच छूटा था इनसे, वही कैच लिया। यस यस यस, फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम हो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम हो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम हो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, ये टाइम क्या जानता है हम तुमसे मरना है। पर प्रिंस ने, बसन जी के सुपुत्र है प्रिंस, बहुत अच्छा कैच लिए थे। 20 गेंद में 53 रन की आवश्यकता है, 20 गेंद पे 53 रन की आवश्यकता है। नेक्स्ट मैच का टॉस करा लिया जाए, 20 गेंद पे 53 रन की आवश्यकता है। मुकाबला जबरदस्त ये चल रहा है, गोल्ड क्राफ्ट राजपूताना बेरुनाथ और गोल्ड क्राफ्ट के बीच का ये मुकाबला। राजपूताना की टीम को बहुत सारे रन की आवश्यकता है, बिल्कुल सभी लोग रेडी रहेंगे क्योंकि इसके बाद आप के लिए गिफ्ट, कुछ क्वेश्चन आंसर, उसके बाद वहां पर गिफ्ट डायरेक्ट। 2.5 ओवर के बाद 12/5, बहुत अच्छी स्थिति नहीं, बहुत खराब स्थिति कह सकते हैं। जिस भी महानुभाव की है आप सही जगह उसे पार कर ले, बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय निभाने के लिए नीलेश है, क्या नीलेश धाकड़ है तो हाथ उठा दे। हितेश भाई बोलस ने, धर्मेश धर्मेश गुर्जर, सोहेल तनवीर के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्या बात है। आज ये बहुत निराला एक्शन हुआ करता था जब सोहेल तनवीर गेंदबाजी करने के लिए आते थे, हाथ का एक्शन उनका देखिए, पैर थोड़ा सा हवा में लहराता था, अलग अलग गेंदबाज का एक्शन होता है। मलिंगा का जब एक्शन आया तो बुमराह का भी एक्शन आया,
लेकिन एक खिलाड़ी को मैं देखता हूं ऐसे ही, ज्वेलर्स का ही एक मैच होता है उसमें मैं देखता हूं, दिनेश करके एक खिलाड़ी है, बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे राजस्थान के ही है, स्मैशर्स कप में भी आते हैं बहुत सारे में, दिनेश नाम है, उन्हें भी मलिंगा कहा जाता है, उनकी उम्र भी 54 है। मैं उनसे वही पूछा कि आपने मलिंगा को देख करके उन्हें फॉलो किया या मलिंगा ने आपको देख के फॉलो कर दिया? हेलो, स्विफ्ट डिजायर 5436 नंबर किसकी है कृपया? वो गाड़ी निकाले, लॉरी निकालना है वहां से। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नंबर 5436 5436, जिस भी महानुभाव की है आप सही जगह पार कर दे, क्योंकि वहां से आवागमन में दिक्कत हो रही है, रन बहुत सारे बनाने हैं। बिल्कुल सहेल तनवीर ही है ये, क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए रन यहाँ पर एक मिल जाएगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। देखिए यहाँ पे हमारे राजेश भाई हैं, राजेश भाई माधेसा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन हम लोगों के बड़े भाई। 16 गेंद पे 50 रन की आवश्यकता है। इस बार बल्लेबाज खेलना चाहते थे पप्पू, लेकिन नहीं, अब मैं बल्लेबाज का नाम पप्पू लिया, कुछ लोग हंसना शुरू कर दिए। हाँ पप्शा, लेकिन पप्पू का मतलब राजनीति से मत जोड़िए, मैं बात मैदान की कर रहा हूं। 4-2, कुछ लोग जाने अनजाने में किसी को सपोर्ट कर जाते हैं, कभी कभी कोई आपका विरोध इतना करता है कि वो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है आपके लिए। और इस समय पप्पू 5-2, पप्शा प्यार से इन्हें कहा जाता है, शंभू 3-2, लेकिन 14 गेंद पे 50 रन की आवश्यकता है। पंद्रह रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार ये गेंद पुलर गेंद के थी, बल्लेबाज खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, परेशान से नजर आ रहे हैं। हेलो, अगर पप्सा इस ओवर में एक सिक्स लगाते हैं, अच्छा पूरा इनिंग में सिक्स लगाते हैं, तो हर सिक्स पर 1100 रुपया श्रीमान सरवन सिंह जी भाई साहब की ओर से दिया जाएगा। सरवन सिंह जी राजपुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ऐसे भामाशाह ऐसे दानदाता हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहे ताकि खिलाड़ी आगे पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद, लीजिएगा सर। बिल्कुल थैंक यू, और सही बात है, आप सिक्स लगाएं 1100 रुपए का पुरस्कार, और कदकाठी आपकी ऐसी है कि गेंद बल्ले पे आए तो दूर जा सकती है, और सिक्स लगा दीजिए। बोलर है माही महेंद्र, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और वही कोशिश कर रहे हैं। श्री जी के हलमार का विरार वेस्ट टी-शर्ट और स्टेज के हमारे स्पॉन्सर, और ये हमारे पूरे स्पॉन्सर हैं, बैनर सिक्स और व्हाइट बॉल के मनु चेंस, ट्रॉफी के विपुल ज्वेलर्स, ग्राउंड माधुरी ज्वेलर्स, टेंट श्री कमल कुमार शंकरलाल एंड कंपनी, गेट श्री सत्यम सिल्वर मीरा जुलेस विरार, पत्रिका शगुन चैन जवेरी बाजार, टीम मयूरा टाइगर्स के श्री गणपत बापना जी। हाँ हाँ, भगवती डायनामाइट्स के कमल भाई जैन, सागर द हंटर्स के सागर सोनी जी, फुलपाड़ा फाइटर्स के मैन सिंह झाला जी, न्यू बैट्समैन नेम, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज प्लीज फॉरवर्ड न्यू बैट्समैन नेम, ईश्वर बेरुनाथ राइडर्स के रतन सिंह सोलंकी जी, गणपत सिंह सोलंकी जी, और मयूर लायंस के भूपेंद्र टाक जी, रियल फाइटर्स गोल्ड क्राफ्ट के बसंत पटेल जी, भारतीय वॉरियर्स के श्री महेश शर्मा जी, ये हमारे कुछ टीम ओनर, और बहुत सारे यहाँ पे जो भामाशाह हैं, दानदाता हैं, बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर हैं,
बहुत सारे हमारे प्रायोजक है, बहुत सारे हमारे लाभार्थी कह लीजिए, बहुत सारे पार्टनर है जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट बिल्कुल सफलता की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे ये विकेट ईश्वर सिंह आउट हुए तो 8 रुपए करें ईश्वर सिंह शंभू शंभू ओके ओके शंभू का विकेट गया। काफी अच्छी वहां पर स्टेपिंग फुलवाड़ा फाइटर के सभी खिलाड़ी जो एक मिनट अंपायर रोकें गेम को, एक मिनट। एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है बैटिंग टीम का, नोदा सिंह रतन भाई किसी को भेज दीजिए ना, नोजा सिंह ओके। नेक्स्ट मैच का टॉस हो चुका है और फुलपाड़ा की टीम बॉलिंग करने के लिए उतरेगी, टीम बिल्कुल तैयार है। वाइड आता हुआ मनु चेंस, वाइड आता हुआ यहाँ पे, और मैं बात कर रहा था बामा शाह की, मैं बात कर रहा था दानदाता की। कुछ तो ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने हमारी कमेटी को, जेसील कमेटी को कहा कि आप हमारा नाम मत नोट करिए, हमारा नाम बिल्कुल गुप्त रखिए, और हम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और अगर कुछ हमारी जरूरत है तो आप हमें बताइए। ऐसे दानदाताओं के लिए भी एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जिन्होंने गुप्त दान किया है और जिन्होंने सबसे बड़ा दान किया है, गुप्त दान किया है और अपने नाम को भी गुप्त रखा है, ऐसे दानदाताओं की भी बहुत बहुत यहां पर मैं प्रशंसा करूंगा और कोटि कोटि उन्हें भी प्रणाम। और ये मैच अगर देखा जाए तो बिल्कुल राजपूत टीम के पक्ष से काफी दूर जाता हुआ, बहुत मुश्किल की स्थिति है राजपूत टीम के लिए, लेकिन यह मैच चलता रहता है। इसको सर 21-7 पांच ओवर की समाप्ति के बाद 21-7 छह गेंद में 44 रन की आवश्यकता है, 44 रन नीडेड इन 6 बॉल्स। जी सर, इस मैच की देखे जाए तो सिर्फ औपचारिकता बची, ये मैच पूरी तरह से ये बॉलिंग और क्षेत्र रक्षण के खेमे में जा चुका है, सिर्फ इस मैच की औपचारिकता बची है सर। काफी अच्छी यहाँ पर बॉलिंग और बैटिंग देखने को मिली थी अपने गोल्ड क्राफ्ट फाइटर द्वारा, और अच्छा फाइट भी दिया है उन्हें जेके भाई बॉलर स्टेम, नो बॉल इनोसा गोल्ड, नो बॉल का इशारा आता हुआ, एक चौके के साथ में एक एक्स्ट्रा रन और जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इसी के साथ 5 रन का मुनाफा टीम राजपूताना को। बॉलर ने यहां से ये मैच पूरी तरह से फील्डिंग के खेमे में जा चुका है, पूरी तरह से ये मैच गोल्ड क्राफ्ट फाइटर के खेमे में जा चुका है, इस मैच की सिर्फ औपचारिकता बची है। देखें इस कुछ छह इस गेंदों में क्या कर पाते हैं। अगली गेंद एक बार फिर तैयार, ये काफी हल्की गेंद है, उठा के खेला है, ओ नो का इशारा। 10 मिनट में फूड काउंटर क्लोज कर दिया जाएगा, 10 मिनट में भोजन कक्ष बंद हो जाएगा, जो लोग भोजन नहीं किए हैं वो लोग भोजन कर ले, क्योंकि उसके बाद केवल जो खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं उन्हीं के लिए वो व्यवस्था रहेगी, तो बाकी लोग भोजन कर लें। 10 मिनट के अंदर भोजन काउंटर बंद कर दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा है, किस बात की चर्चा है, निर्मल सांकला जी के हाथ में वहां पर
बल्ला है, बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। और निर्मल जी सोच रहे हैं कि यार खेल रुकना है थोड़ी देर के लिए तो मेरे ही टाइम, मैं तो अभी अभी आया, बॉलर चेंज हुआ यहां पे, अब कौन गेंदबाजी करेगा? प्रिंस के हाथ में गेंद है, प्रिंस करेंगे क्या? थोड़ा समय का ध्यान दिया जाए, हम लोग बहुत शेड्यूल से पीछे हैं। जेके भाई, यस जय किशन, ये गेंदबाजी इसलिए कराई जा रही थी कि आ की जो नियम है कि जिसको आपने कुछ नहीं कराया उसे ओपनिंग में भेजना पड़ेगा। जेके के माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। प्री हिट कंटिन्यू है, यानी कि एमके घरे ज्वेलर्स प्री हिट थी, ये फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और पांच गेंद पे 36 रन की आवश्यकता, कहने को छह पे भी 36 बनते हैं लेकिन पांच पे 36 बहुत मुश्किल है जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है। इस बार रिवर्स शिफ्ट करने की कोशिश नाकाम होती हुई और बल्लेबाज यहां पे परेशान थोड़े से हैं। नेक्स्ट मैच के लिए टॉस किया गया है, नेक्स्ट मैच के लिए बिल्कुल टीम रेडी रहेगी। अब ये छठा मैच सातवां मैच शुरू होने वाला है, फुलपाड़ा की टीम टॉस जीती है और गेंदबाजी करने का निर्णय उनके सामने है। भारतीय वॉरियर्स की टीम सातवां मुकाबला प्रारंभ होने वाला है, तो बहुत सारे मैचेज अभी यहां पर पेंडिंग दिख रहे हैं, बहुत सारे मैचेज होने बाकी हैं, तो समय का ध्यान अगर आप नहीं देंगे तो आने वाले समय में ओवर के ऊपर चर्चा लाजमी है। एक बार फिर से नीचे रहती हुई गेंद पैरों से जाके टकराई हाना के बीच में, फिर एक बार फुलपाड़ा की टीम बिल्कुल रेडी रहेगी, फुलपाड़ा फाइटर्स की टीम रेडी रहेगी क्योंकि आपका मैच है और आपके सामने भारतीय वॉरियर्स के बल्लेबाज भी रेडी रहेंगे। इस बार बाहरी किनारा लगा या नहीं लगा, एक सफलता यहां पर मिली और एक विकेट मिल गया है। एसबीआर क्लासेस, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस इन विरार, नॉट ओनली विरार इन मुंबई, क्योंकि विरार में भी है, नाला सुपारा में भी है, वसई में है, कई जगह इनकी ब्रांचेज है और कई जगह और ओपन हो जाएंगे जिस प्रकार से इस क्लासेस के बच्चे नीट जेडब्ल्यूई सीटी में सक्सेस पा रहे हैं। चलिए अब 5.5 ओवर के बाद 33 पे 8 औपचारिकता केवल बाकी है, रन बहुत कम बने हैं, लक्ष्य बहुत बड़ा है और लक्ष्य बड़ा 8 विकेट गिर चुके हैं। अब आए हैं सागर कुमार जैन, देखना सागर क्या करते हैं। जयकिशन को सफलता मिली है इस ओवर में और मिलती ही जा रही है सफलता, रन यहां पर मिल जाएगा लेकिन रन से काम नहीं चलेगा। ओवर समाप्त हुआ और इस मुकाबले को यहां पे जीत लिया है गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स की टीम ने। नेक्स्ट मैच की शुरुआत जल्द से जल्द किया जाए बिना किसी देरी के, नेक्स्ट मैच की शुरुआत बिना किसी देरी के किया जाए। अखिलेश जी आप तुरंत मैदान में जाएं। अखिलेश